हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। गॉसिप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। पलक तिवारी ने कम उम्र में बहुत ही नाम कमा लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पलक तिवारी अभी सिर्फ और सिर्फ 21 साल की है और वो बॉलीवुड में कर चुकी है डेब्यू। जी हाँ, वो भी सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से। फिल्म को उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन पलक को फिल्म में काफी पसंद किया जा रहा है, उन्हें सराहा जा रहा है और अब वो एक और फिल्म भी हासिल कर चुकी है और इस फिल्म को लेकर भी जो पलक है वो काफी एक्साइटेड है। लेकिन इसी बीच आपको बताना चाहती हूँ कि पलक तिवारी ढेर सारे इंटरव्यूज दे रही है। इन इंटरव्यूज में ही पलक ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी थी। दरअसल पलक ने ये कह दिया था इंटरव्यू में कि सलमान खान का बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि लड़कियां सेट पर डीप नेक वाले गले पहनकर नहीं आ सकती है, रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं पहन सकती है। तो जैसे ही उन्होंने ये इंटरव्यू दिया तो यू नो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा और अब जो पलक है उन्होंने यू टर्न तो मारा ही और अपनी गलती भी मान ली है और उन्होंने कहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और ये मेरे लिए एक बड़ा सबक साबित हुई है। क्या कहा है पूरी तरीके से आपको बताऊंगी, लेकिन गाइज अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से ना मेरे चैनल गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पलक तिवारी ने दिया एक इंटरव्यू और यू नो डीप नेक वाले पर उसने कमेंट कर दिया है, नेक लाइन रिवील नहीं होनी चाहिए, सलमान खान के सेट पर ऐसा रूल है। पर अब इस पर पलक ने अपना बयान बदल दिया है और उन्होंने कहा है मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे पता है कि सलमान सर मुझे अच्छे से जानते हैं और वो मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, वो मुझे समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, मैं अपनी इस गलती से सीख मुझे मिली है, मैं अपनी इस गलती को रियलाइज करती हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मुझे जीवन भर याद रहेगा। यानी कि अब पलक को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उन्हें सुपरस्टार सलमान खान के लिए ऐसी बात नहीं रिवील करनी चाहिए थी। कैसा लगा गाइस वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही।